हमारे स्टोर पे आए हुए हैं जबरा ब्लॉग से रवि भाई, इनका चैनल सब्सक्राइब करिए। काफ़ी साल से मेहनत कर रहे हैं, मैं बहुत साल देख रहा हूँ आदमी को, बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है बंदा, तो हमारे रील लिए। तो हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब? आई होप मस्त बढ़े। तो गाइस, आज फिर एक मैं एक नई वीडियो लेके आ गया हूँ आपके लिए, और मैं इस टाइम शूट कर रहा हूँ अपने घर से, गली के अंदर मेरा घर है और ये हमारी जा रहे थे। तो गाइस मैं आपको बताऊँ, बोले तो एक बढ़िया सा, बोले तो खुला है वाटर पार्क, बहुत अच्छा, और वो खुला है भसानी में, तो वहाँ 200 रुपये रेट है और कपड़े फ्री बोले तो कच्चा फ्री। तो मैं विवेक वहाँ चलते हैं, गाड़ी हमारी सामने गाड़ी है। तो निकल चुके हैं गाइस, रवाना हो चुके हैं भसानी की तरफ। गाइस आज हमारा सुबह से प्लान था कैंपिंग का, आज हमारा विवेक दो कैंप लाए थे एक साल पहले, घर पर रखे हुए थे, तो काफी दिन सिर हो रहा था कैंपिंग कर ले भाई, बाहर निकल गई, बाहर यार टाइम ही नहीं मिलता गाइस, क्या बताऊं, टाइम तो बहुत है लेकिन जा नहीं सकता, बहुत सी बातें हैं जो आपको बता नहीं सकता, कैमरे की पीछे की बात है। तो अरे कहना क्या चाहते हो गाइस, आज हम लाए गैस चूल्हा जो था कैंपिंग वाला, तो कैंपिंग फिलहाल आज तो कैंसिल है, आज तो जा रहे हैं भसानी। दोनों बात क्या है, कटघरिया के बाद हम अंदर को जो जाते हैं भसानी, भसानी भसानी के अंदर जंगल है काफी अच्छा, शायद आप आए भी होंगे, शायद मैंने नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाया भी होगा। और ज्यादातर गाइस वहाँ बेवड़े जाते हैं शराब पीने और एंजॉय करने, वो एरिया है गजब बेइज्जती है, लेकिन हम यार ड्रिंक करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, देखो ऐसा देखो ना गाइस, इतना साफ भी नहीं हूँ कि मैं बहुत साफ हूँ, सब गंदे करता हूँ, कभी पार्टी आर्टी में चलती है बियर हो जाती है, वैसे दारू नहीं। हमने भसानी गांव है और ये है भसानी गांव की एंट्री, और ये कहा जाता है कि अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया है, पता नहीं अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया है या हिंदुस्तानियों के द्वारा बनाया गया है, ये तो गाइस पता नहीं है, आपको बताया किस द्वारा? मैंने सुना है कि ये जो पुल है काफी पुराना है, ये अंग्रेजों ने बनाया है गाइस, तो ये भसानी है, अब हम पहुंच चुके हैं और यहाँ काफी जो फ्रेंडों के साथ लोग आते हैं, यहाँ बोले तो एंजॉय करने आते हैं, बोले तो चिकन मटन और यहाँ की मैगी जो है वो बहुत, बोले तो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, वो मैगी बहुत अच्छी बनती है, और यहाँ पर जो बोले तो यहाँ पर वो भी है, बोले तो धारा बोले तो यहाँ पानी आने आता है, लोग नहाते भी हैं अपने दोस्तों के साथ, बड़े एंजॉय करते हैं, दिखाएंगे अभी आपको। और यहाँ पर एक वाटर पार्क भी खुला है, वो ही हम और विवेक देखने जा रहे हैं कि कैसा है वो, क्योंकि जगह जगह हम जाते रहते हैं, आप देखते हो ब्लॉग में, ये भी हम देखने आए कि कैसा है। तो गाइस ये जो आपको दिख रहा है ना गधेरा, ये अभी तो गर्मी है तो पूरा सूख गया है, देखिए आप पूरा सूख चुका है, लेकिन जब बरसात होती है तो इतना पूरा फुल आता है और इतनी स्पीड से आता है कि यहाँ से गाड़ी भी पार नहीं हो पाती, ये देखिए ये पूरा भरा हुआ आता है, पूरा पूरा पानी पानी, गंदा पानी साफ पानी सब मिक्स आता है, और गाड़ियां यहाँ से दो एक बार कार भी गिर गई यहाँ से नीचे, क्योंकि पानी इतनी स्पीड से आता है। जैसे कि आपने देखा इस वीडियो में कितना खतरनाक जंगल है, इस जंगल में रात में 9:30-10 बजे वैसे अब तो फिलहाल लोग निकलते ही हैं, लेकिन आने वाले समय में टाइगर शेर वगैरह सब रोड पे आ जाते हैं, बहुत टफ होता है, कितना घना जंगल है भसानी का, आप भी आइए अपनी फैमिली के साथ, बहुत अच्छा जंगल है, मस्त हवा आ रही, ठंडी बिल्कुल। गाइस ये आ चुका है पुल, दिख रहा है आपको, दिख गया होगा अब तो, यही पुल है जो छोटे छोटे जानवरों के लिए है, ये पुल इसलिए है गाइस कि जो गाड़ी कोई जानवर छोटा अगर रोड पर आता है और गाड़ी आ रही जा रही है तो टायर के नीचे आने से मर ना जाए, इसलिए बना रखा है। तो थैंक यू वेरी मच वन विभाग टीम के लिए। हम पहुंच चुके हैं वाटर पार्क और इसका नाम है जंगल रिसोर्ट, काफी गाड़ी आई है और सामने ये आपको मिलेगा बना हुआ स्टैचू, कौन है जवाब में आ रहा, लग रहा है मुझे कामिल भाई, कितने बड़े खड़े हैं। चलिए ना पकड़ मेरे को जानता नहीं है ये, पकड़ मेरे को साले, पकड़ मेरे को जान, अरे पकड़ ना रे बाबा, चलिए ना पकड़ मेरे को। तो गाइस मिल चुके हमारे बड़े भाई, सब सब्सक्राइबर है हमारे भाई, थैंक यू यार भाई, कामिल इतने काले, अरे कामिल भाई हर जगह चले जाते हो, बहुत बड़े तुम, इतना लंबा 440 चेंज नहीं है,
तो गाइस यहाँ से एंट्री है, एंट्री लेके अंदर जाएंगे। मैं तो पहली बार ही आया हूँ, पहले आया था कभी कॉफी वॉफी पीने, लेकिन आज देखते हैं अंदर का नज़ारा, काफ़ी अच्छा आता रहता है। ये 20 रुपये है कपड़ों का चार्ज, कॉस्ट्यूम का 20-20-40 और 200 इसका 200 मेरा, तो हो गए कितने 440। एक मिनट के अंदर वाओ पानी गहरा तो है यार, कौन कह रहा पानी गहरा नहीं है, तो गहरा पानी है, लाजवाब। तो लोकेशन तो बहुत प्यारी है गाइस, दो काम होते हैं, भूख या फिर नींद। तो भूख लगती दोनों भाई कुछ खाते हैं बढ़िया सा, फिर निकलते हैं हल्द्वानी से। कुसुम खेड़े चौराहे पे हमने तारी जी के खाए मोमो, उसके बाद हमने हमारे भाई है सत्य भाई के छोटे भाई का नाम नहीं पता, क्योंकि ये जूस की दुकान, तो मैं भी आप भी कुसुम खेड़े चौराहे पे आइए और हमारे भाई की दुकान पे जूस पीजिए। हमारे भाई बोल तो क्रिकेट में बहुत अच्छा था, और क्रिकेट में जाने ही वाला था क्या पहुँच चुका था, लेकिन कहते नहीं है कि कुछ परेशानी के जरिए भाई हमारा वापस आ गया, लेकिन कोशिश जारी है, क्या पता हम दुआ करेंगे ऊपर से कि भाई पहुंच जाए और आईपीएल खेले, क्रिकेट खेले। थोड़ा सा जूस दिया, मज़ा आ गया, मोमोज वगैरह खाए, फिर हो गया। अब जा रहा घर की तरफ, घर ही पहुँच गए भाई को।